नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और सदर विधानसभा प्रत्याशी आरपी यादव समेत दो लोगों को जानलेवा हमले और गवाह को धमकाने के मामले में देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चले कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नगर कॉलोनी में रहने वाले सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष आरपी यादव और हर्षित वर्मा को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि 9 अक्टूबर 2019 को रतापुर चौराहे से सोमू ढाबे पर हुए हाई प्रोफाइल आदित्य सिंह हत्याकांड के आरोपी सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आरपी यादव जेल गए थे, लेकिन हाईकोर्ट से उनकी जमानत होने पर वहां मौजूद समय में जमानत पर थे, लेकिन आदित्य हत्याकांड के मुख्य गवाह राजकुमार सिंह पर ही 10 जनवरी 2023 को जानलेवा हमला हुआ था और जिसमें 2 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे अध्यक्ष? देखिए, ये गिरफ्तारी गलत है। कहीं जो एक तथाकथित मुकदमा लिखवाया गया जो बिल्कुल गलत मुकदमा है, और उसमें कहीं उस गलत मुकदमे में भी कहीं आरपी यादव का नाम नहीं, और कहीं दूर दूर तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, फिर भी आरपी यादव को कल रात में रायबली पुलिस द्वारा सादी वर्दी में उनके घर से उठाया गया। बिजली विभाग की लापरवाही आम लोगों के लिए जान की दुश्मन तो बनी ही है, साथ ही अपने ही कर्मचारी की जान की दुश्मन भी बन गई है। लगातार लापरवाही के मामले सामने आने के बाद भी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा आज तक लाइन मैन को जिंदगी से अपनी हाथ छुड़ाना इतना महंगा पड़ गया है। बता दें आपको, पूरा मामला गल्ला मंडी सब स्टेशन से जुड़ा हुआ है। इस सब स्टेशन से जुड़े हुए शिवाजी नगर क्षेत्र में एक ट्रांसफार्म खराब हो गया था और इसको ठीक करने के लिए संविदा कर्मी ब्रिजभान ने को भेजा गया। ब्रिजभान खंभे पर लगे ट्रांसफार्म को जब चढ़कर ठीक कर रहा था, तभी सब स्टेशन से बिना किसी सूचना के विद्युत आपूर्ति को चालू कर दिया गया और इससे संविदा कर्मी करंट की चपेट में आने से पूरी तरह से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में कर्मचारी उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर संविदा कर्मियों में आक्रोश फैल गया है। सूचना मिलते ही सारे संविदा कर्मी काम बंद कर मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि पीड़िता को न्याय नहीं मिला है, ये जानकारी सामने आई है। और इसके साथ ही न्याय थाना उल्टन के अंतर्गत में मौजूद ग्राम पंचायत पठाकरका में एक नाबालिग लड़की से एक 55 वर्षीय ग्रामीण ने दुष्कर्म किया और विवरण में ही पता चला है कि ग्राम पठाकरका में ही एक अल्पसंख्यक परिवार का मकान वर्षों से ढह जाने के कारण ही परिवार सहित पंचायत भवन में रहता है और विगत 3 दिन पहले गांव के ही 55 वर्षीय बताया जा रहा है कि विद्युत मैकेनिक पंचायत भवन में बिजली की फिटिंग करने गया और वहां पर घर में अकेली नाबालिग से उसने दुष्कर्म किया और युवती को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि यदि किसी को बताया तो तेरे परिवार को जान से मार देंगे। बताया गया है कि गांव के दबंग ठाकुरों द्वारा पीड़ित को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और मामले को पंचायत बुलाकर सुलटाने का भी कोशिश की जा रही है और पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित परिवार दहशत में है। पीलीभीत में रिश्तेदार का अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसका विरोध करना एक पक्ष को भारी पड़ गया। दूसरे पक्ष के दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी और घटना के दौरान कई लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर मारपीट का लाइव वीडियो भी वायरल हो रहा है और घटना पूरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खम्मरिया पट्टी की है। बताया जा रहा है कि उनके गाँव के रहने वाले शिवा नाम के एक आरोपी द्वारा उनके रिश्तेदार की लड़की का अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और बताया ये भी जा रहा है कि शिवा अपने परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोगों को साथ में ही
हाथ में लाठी डंडे लेकर सुरेश के घर में घुस गया और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए गांव के कुछ लोगों पर दबंगों द्वारा वार किया गया और जिस पर कुछ लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और जिसे इलाज के लिए पूरनपुर CSC ले जाया गया है। डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल भी रेफर कर दिया है। सुरेश, आपके गांव में एक मारपीट हो रही है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हमारे घर पे साड़ू की लड़की आई थी मेहमानी खाने, इसने कहीं से फ़ोटो खींच लिए। जब इसके फ़ोटो मैंने फेसबुक पे देखे तो इसे मना किया। जब मना किया तो कहा फेसबुक पे फोटो डालेंगे तो ये जोकर मिले कर लेना। आज क्या हुआ? आज जब इसके घर पर जब शिकायत लेके गए तो हम सुबह गए तो इन्होंने सुबह हमें मारा घर पे और रफ्ता के लाए। घर पे सारे आदमी आ गए, लाठी डंडे लेके आ गए, पूरा परिवार आ गया। बहराइच से खबर है जहां विश्व प्रसिद्ध हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर 1020वें सालाना 6 दिवसीय उर्स मुबारक का आगाज कुरान खवानी और इसके साथ ही परंपरागत परचम कुशाई खुद्दाम की दस्तार के साथ हुआ है और इसके बाद मजार शरीफ पर गागर चादर पेश कर विश्व पटल पर भारत की तरक्की, देश के अंदर भाईचारा कायम रखने और बुरी शक्तियों से देश और प्रदेश के अमन चैन को महफूज रखने के लिए, साथ ही दरगाह पर आने वाले हकीद मंदों की दुआ कबूल होने की इसको लेकर अरदास की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत भी की है। पीलीभीत के कस्बा यूरिया में मौजूद AK इंटर कॉलेज में शनिवार को क्लास 12 की छात्र छात्राओं के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने कई प्रकार की कलाएं प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया है और कार्यक्रम के अंत में क्लास 11वीं के छात्रों ने सीनियर छात्रों को उपहार देकर उनका सम्मान किया है। प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और उन्होंने छात्राओं के आह्वान किया है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाए और साथ ही स्कूल के प्रबंधक रिजवान खान ने भी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की बधाई देते हुए कार्यक्रम का समापन किया है। विदाई समारोह है, सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है और जो है इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और हर वर्ष जो है ये प्रक्रिया जो है चालू रहती है। जो भी अंतिम क्लास होता है उसमें सम्मानित समारोह के साथ सम्मान के साथ में जो है तो विदाई का रूप दिया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में कनवारा गांव में महिला का अधजला शव मिला है जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताते चलें कि शव मिलने से गांव में ही डर का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर वे इसको पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। इसके साथ ही आगे की भी जांच की जा रही है। बताते चलें कि घटना नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के कनवारा गांव के पास की है जहां पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। बता दें आपको कि जंगल में यह शव बरामद किया गया है और इसके साथ ही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अब आगे की जाँच भी शुरू कर दी है। आज लगभग 10 बजे थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम कनवारा की बीहड़ जो इलाका है नदी के बिल्कुल किनारे में काफ़ी इंटीरियर है, एक महिला का अधजला शव मिला हुआ है। प्रथम दृष्टया जो है ये मामला हत्या का पाया जा रहा है। अब इसमें आसपास की जो भी गुमशुदगी है और जो भी हमारे जनपद में आसपास के जनपदों में हुई है उससे कोशिश की जाएगी कि महिला की पहले पहचान हो जाए और इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस की लचर कार्यशैली से दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जिले में थमने का ये बुलंद हौसला नजर नहीं आ रहा है। हर्ष फायरिंग, जबकि बता दें आपको कि रायबरेली जिले की बात अगर की जाए तो अब तक हर्ष फायरिंग में कई लोग घायल हो चुके हैं और उसके बाद भी लचर कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर हर्ष फायरिंग
की जा रही है। लोग आपको बता दें कि मामला जो है जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलीगंज गांव का है, जहां परीक्षा के दौरान युवक ने असले के ताबड़तोड़ फायरिंग का ये मामला सामने आया है। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि दबंग युवक के द्वारा हर्ष फायरिंग का वीडियो अभी सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। फायरिंग करने वाले युवक की पहचान संजय मौर्या पुत्र रामशंकर निवासी अलीगंज थाना जगतपुर के रूप में की गई है। तो रायबरेली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर फायरिंग का ये मामला सामने आया है। और ये भी बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है। और इतना ही नहीं, कई लोग इस फायरिंग में घायल भी बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी शरगैंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उप जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता की मांग पर पिछले 32 दिनों से महिलाओं के नेतृत्व में रामलीला मैदान में आंदोलन और धरना चल रहा है। लेकिन शासन प्रशासन की ओर से उनकी अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। और इस कड़कड़ाती ठंड में भी महिलाएं अपने अपने गांव-गांव से अपने खेतीबाड़ी और घरेलू कामकाज और बच्चों को छोड़कर गैर शरण में बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन में डटी हुई है। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सकारात्मक संदेश नहीं आया है, बल्कि सरकार का कोई नुमाइंदा या जनप्रतिनिधि तक उनके बीच नहीं पहुंचा है। कहा है कि सरकार और प्रशासन उनकी अनदेखी कब तक करती है, इसे भी हम देखेंगे और हमारा आंदोलन थकेगा नहीं। अपने आप में बहुत घृणास्पद धारणा है और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि गैरसैंण लड़ रहा है, अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ रहा है। इसके लिए मैं गैरसैंण वासियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये रास्ता महिलाओं ने दिखाया, इसलिए महिलाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुकेश के नेतृत्व में, मुकेश नेगी के नेतृत्व में हम लोग जो है विधानसभा के सामने भी एक दिन धरना देंगे। और ये गैरसैंण के हॉस्पिटल की कोठार, मेरा नाम सरस्वती अग्रवाल है, मैं ग्राम कोठार से हूँ। और हम लोगों का आज यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन है वो 32वां दिन यहाँ पे चल रहा है। और जिसमें कि अभी तक हमारे साथ जो है कि सरकार का कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं है, कोई भी नौमा हमारे साथ नहीं है। और आज यहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना है और उन पे मनन किया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एनएच के अधिकारियों की लापरवाही पर बेहद खफा है। उन्होंने कोयल घाटी से चंद्रभागा पुल तक ही अधूरे पड़े नाला निर्माण और चौड़ीकरण के काम में ही लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को मौके पर तलब कर लिया है। और इस दौरान ही कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। 3 दिन में बंद पड़े काम को शुरू करने के बाद 31 मार्च तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और समय सीमा के बाद मंत्री ने अधिकारियों को कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। इस कार्य में मैं इनकी सीधी सीधी लापरवाही समझ रहा हूँ विभाग की। और मुझे ये भी कहना है कि जो जगह जगह इन्होंने काम छोड़ा, अनेकों घटनाएं लगभग यहाँ पे हुई हैं, ये तो भगवान का शुक्र है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पारिवारिक कार्यक्रम में हरिद्वार पहुंचे और डाम कोठी गंगा घाट पर उनके पुत्र दिवाकर धामी और प्रभाकर धामी का जनेऊ संस्कार कुमाऊनी परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी सहित पारिवारिक लोग और कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए हैं और कार्यक्रम से मीडिया को फिलहाल दूर रखा गया था। आज जो कार्यक्रम हुआ है, हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी के बच्चों का जनेऊ संस्कार हुआ है। ये संस्कार हुआ है गांव कोठी नंबर 3, इसमें सम्मिलित उनके परिवार के सभी लोग थे, उनकी पत्नी, उनकी माताजी और बाहर से भी अन्य लोग थे, एक दो विधायक भी थे और आचार्य बालकृष्ण जी भी थे, तो पूरे विधि विधान से।
खबर मथुरा से है, जहां पर दलित युवक की जमकर पिटाई का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि दलित युवक के पिता का साफ तौर पर कहना है कि मेरा बेटा शाम को 4 बजे घर पर बुलाया था और जब घर नहीं लौटा तो हमने शक होने पर ही पता चला कि मेरे बेटे के साथ 4 लोगों ने जमकर लाठी डंडों से पिटाई की है और मेरे बेटे को सिगरेट के बहाने से गोलू चौधरी और रामू और इसके साथ ही 2 अन्य लोगों ने बुलाया था। मेरे बेटे के साथ जमकर पिटाई की गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मथुरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पीड़ित के पिता ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि युवक के दोस्तों ने उसकी जमकर पिटाई की है, जिसके बाद पिता के द्वारा तहरीर दी गई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।